तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन रोक रहा है उसको। अब फोन कंप्लीटली ऑन हो चुका है, बट अभी अब क्या हो रहा है, कभी डिस्प्ले आ रहा है और कभी डिस्प्ले नहीं आ रहा। अभी हो सकता है कि डिस्प्ले बिल्कुल ना आए, लाइट भी ना आए, और कभी डिस्प्ले और लाइट दोनों आ जा रहा है। हेलो सर, तो ये प्रॉब्लम कहां से है? तो अब मैंने इसके लिए इसका सीपीयू रिबॉल किया। हेलो यस सर, क्या रिबॉल किया? सीपीयू रिबॉल के लिए जो सीपीयू रिबॉल का वीडियो है रियलमी 5 का ब्लैक टेस्टेड के साथ, वो मेरे फेसबुक में आप देखिएगा, ये आप फेसबुक में और मेरे एसर टेलीकॉम के यूट्यूब चैनल में देखिएगा, वहां पर हम डालेंगे उसको दो दिन के बाद, एक दिन या दो दिन जैसे टाइम मिलेगा इसका। बट सीपीयू रिबॉल के बाद इसका सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि रियली ऐसे टाइम पर जनरली सीपीयू पहले रिबॉल कर देते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट का गेम था। सीपीयू रिबॉल करने के बाद जब समझ गए कि अब नहीं है, तो अब ये समझना है कि अब डीप लेवल पर जाना है। हेलो, मतलब हमें आईसीयू के अंदर जाना है, आईसीयू के ऊपर नहीं, नहीं, कि आईसीयू बदलने से कुछ होगा नहीं। तो अब हम पहले आओ, सबसे पहले हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है फोन ऑन होना चाहिए। यस सर, बोलो ऑन होना चाहिए। 200 के ऊपर रीडिंग ज्यादा से ज्यादा रीडिंग। दूसरा, अगर लाइट आती है तो कल वाली कंडीशन याद है? हेलो, मतलब हमारे वोल्टेज पूरे बंद है, नहीं डिस्प्ले के वोल्टेज पूरे बंद है, अगर लाइट नहीं आई तो हमारे डिस्प्ले के वोल्टेज नहीं बंद है, मतलब प्रॉब्लम वही है। हेलो, तो पहले हमें देखना है कि ब्लैंक डिस्प्ले आ रहा है कि लाइट डिस्प्ले आ रहा है। यस सर, क्या दो टाइप की डिस्प्ले होती है फॉल्ट में, ब्लैंक डिस्प्ले और एक लाइट, सिर्फ लाइट आ रही है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा। देखो ये नया है तुम्हारा, लगा दी तुमने उसमें, तो पहले हम इसको यहां से डीसी में देखेंगे वो प्रॉपरली, और तुझे चाहिए ये देखो, ये अभी हमारा 200 के ऊपर जाएगा, तो अभी हमारा ऑन हो चुका है, अभी चलता रहेगा, मतलब ये कंप्लीटली ऑन है। पहले क्या होता था, पहले ये जाता था 1000, 1200, अच्छा उसके बाद में फिर सडनली 0, फिर बंद ही हो जाता था, पर अब ये कंटिन्यूस है, मतलब ये परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है सर। अब हमारे को देखना है डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अगर हम इसमें देखेंगे, ना लाइट है ना डिस्प्ले है। हेलो, ना लाइट है ना डिस्प्ले है, ना डिस्प्ले है। हम इसको फिर से बंद करके चालू करते हैं, तीन पांच सेकंड कम से कम देना होता है। देखो कहीं से भी, मतलब हल्का भी लाइट आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट नहीं आने का मतलब ये होता है। आओ उसको समझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली, आओ पहले डायग्राम डायग्राम समझे कुछ। अब सर डायग्राम रियलमी 5 का तो डायग्राम ही नहीं है। हेलो यस सर, रियलमी 5 का डायग्राम नहीं है, तो पहले तो हम ये समझना पड़ेगा कि इसकी ग्राफिक्स आईसी कौन सी है। बोलो ग्राफिक्स आईसी कौन सी है, यही पे देखो मैं दिखा रहा हूं, हम इसको इसकी ग्राफिक्स आईसी देखेंगे। तो ग्राफिक्स आईसी इसके अंदर लगी है सब पावर, बोलो सब पावर, पीएमआई, बोलो पीएमआई, रियलमी 5, रियलमी 5। ये देखो ये लगी है पीएमआई 632, और ये हमारा ग्राफिक्स कॉइल है। हेलो यस सर, मैंने आज ही आपको ये सब पावर पढ़ाया है। हेलो यस सर, याद है मैंने आपको क्या बताया था, 4 से कम कॉइल। हेलो यस सर, एक कॉइल क्या, दो कॉइल क्या, सब पता है। हेलो यस सर, तीन कॉइल आया तो क्या, चार कॉइल आया तो क्या, तो दो कॉइल है, मतलब सर चार्जिंग ग्राफिक्स, तीन होता चार्जिंग ग्राफिक्स, लाइट चार होता, तो दो ग्राफिक्स के। अब अगर हम इसके सर्किट की बात करें तो सर इसका स्कीमेटिक कुछ भी नहीं है, हार्डवेयर सोल्यूशन की बात करें तो हार्डवेयर सोल्यूशन है जो हमें ये कनेक्टर के जीआर वीआर दे देगा, पर क्योंकि अगर हम हार्डवेयर से बोर्नियो से देखकर करेंगे तो हम एक लिमिटेड लाइन तक जाएंगे, बोर्नियो कभी भी मैक्सिमम लाइनों को नहीं बताता क्योंकि वो कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं है।
वो तो एक रास्ता दिखा रहा है और जो एडवांटेज हम भी उठाते हैं, बट अगर इंटरनली जाना है तो फिर आईसी का डाटा चाहिए, पीएमआई 632। अब हमें ये देखना है कि ये आईसी जो हमारी पीएमआई 632 902 वर्जन के साथ में है, ये तीन वर्जन में आता है, 902, 5 एंड 6, तीन वर्जन अलग अलग वर्जन में आते हैं और तीन अलग अलग वर्जन को यहाँ पे काम करना है। तो कैसे काम करता है ये, किसी भी बोर्ड में लगा रहेगा। सबसे पहले इसको चलने के लिए बेसिकली कौन सी लाइन चाहिए, चलो मैं डायग्राम के साथ ही बात करूंगा, डायग्राम के साथ में बात करूंगा। तो पहले मैं आपको डायग्राम में थोड़ा सा दिखा दूं। तो सर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रियलमी का डायग्राम नहीं है, रियलमी 5 में कोई डायग्राम आएगा, रियलमी के डायग्राम नहीं ना के बराबर। सो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक, हमने Redmi Note 8 Pro ही खोल लेंगे, Redmi Note 8 Pro में भी PMI लगी है 632, तो हम उसके हिसाब से इस IC को रिपेयर करेंगे। अच्छा, और हम Realme 5 को जितना हम समझ सकते हैं उतना हम समझेंगे। देखो इसमें भी, हम देखो इसमें भी PMI लगी है, और ये PMI हमने कैसे ढूंढी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखो PMI 632, हेलो। अब हमें इसके डिस्प्ले सेक्शन में जाना है, कहां जाना है, तो ये इसका जो एक पार्ट है ये यूएसबी बता रहा है, मतलब ये इसका चार्जिंग सेक्शन है, तो हम इसके बी पार्ट में जाएंगे। तो बी पार्ट के अंदर हमारे को ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर फॉल्ट है, पीएस होल्ड, पावर कीपैड, तो हम सी पार्ट में जाएंगे। हमें ढूंढना है इसके अंदर DISP लिखा होना चाहिए, LED, ये GPIO, ये CPU का पार्ट है, ये हम देखो तो ये हमारा फ्लैश LED का पार्ट है, और ये हम देखो तो डिस्प्ले का पार्ट आ गया, ये आ गया VDD डिस्प्ले, हेलो यस सर, डिस्प्ले का पार्ट आ गया। ऐसे ही एक लाइट का पार्ट होता है, और इसको थोड़ा सा अपन देखें, ये आगे की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं, हम अभी केस स्टडी के रूप में इसको देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां है। देखो प्रॉब्लम आईसी में होती तो मैं इसको कभी नहीं लाता, क्योंकि आईसी बदल के ऑन लगाना ये क्या बोलते हैं सर्कस मुझे नहीं दिखाना कि आपके सामने उठा रहा हूँ एक घंटे से आईसी, उसको क्लीन करके लगा रहा हूँ, उसके बाद ये सर्कस तो आप ही कर लोगे जहां जाने के बाद, तो ये सर्कस मुझे नहीं दिखाना। हमें बताना है ऐसे फॉल्टों का सलूशन जहां आईसी उठाने से कुछ होगा नहीं, ताकि उसको बना सके, समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं तो ऐसे बहुत से फोन है जो मैं यहाँ ला सकता हूँ, जो हमारी मेरी लैब में आते हैं, जो आप लोग से मिलते हैं, कहीं से भी मिलते हैं, कि जिसमें हम सिर्फ एक आईसी रिवॉल्व कर देंगे, चेंज कर देंगे, काम हो जाएगा, पर उससे हमारे को सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक डायरेक्ट सोल्यूशन पे है, हेलो हमारी डायरेक्ट सोल्यूशन से बहुत दूर है, समझ में आ रहा है। यहाँ सब कुछ कर लोगे तो भी ग्राफिक्स नहीं आएगा, कल याद है सिर्फ एक रजिस्टर से ग्राफिक्स आया था, हेलो नोट नोट आज देखते किससे आता है, हेलो। तो हम ये समझ रहे हैं कि जब हमारी लाइट नहीं बन रही है, क्या नहीं बन रही है, मतलब लाइट क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा है, चलिए बताओ, और जब उसको CABC क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जब तक उसको कनेक्टर को खुद तीन वोल्टेज नहीं मिलते, कौन कौन से वोल्ट, DIO, DSP +5 और तो हमारे साथ है 28 जुलाई की बेच, कौन कौन लाइव है, हम सब लाइव है। देखिए कल हम CPU किया, हमने 4G CPU किया, आज से पहले क्या हम 4G CPU पे काम कर पा रहे थे। अब ये बताइए कि यहाँ पर एशिया टेलीकॉम को 28 तारीख को ज्वाइन करने के बाद जब आपसे पूछा गया तो माइक्रोस्कोप किस किस के पास थे, तो सिर्फ कितने लोगों के पास थे, ओनली दो लोगों के पास थे, इसके अलावा आपके पास माइक्रोस्कोप भी था क्या, माइक्रोस्कोप पे कभी काम किया था, अभी क्या पोजिशन है, अभी माइक्रोस्कोप हमने 10 मिनट में सेट किया है और हमारा चौथा दिन है, कल हमारा क्या था, चौथा दिन था, और तीसरे दिन क्या किया हमने, एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि तीसरे दिन पावर, तो पावर किस किसने लगाई, हम सबने लगाई, और एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि चौथे दिन CPU, तो कल CPU किस किसने लगाया, सबने लगाया। हेलो, तो इसमें फॉल्ट ये है कि इधर अपन को इन पहले तीन वोल्टेज पे ध्यान देना है, समझ लो फोन ऑन हो रहा है तो ऑब्वियस है ये वोल्टेज मिल रहा होगा, अब हमें ध्यान किस वोल्टेज पे देना है, प्लस 5 और माइनस 5,
ये वोल्टेज नहीं बन रहा होगा, क्योंकि अगर ये वोल्टेज बन जाता तो हमारा एक डिस्प्ले क्या निकाल देता, सीएबीसी, और सीएबीसी हमारे किस सेक्शन में चले जाता, और एटलीस्ट उसमें लाइट जल जाती। हेलो, क्या जल जाती? सो अब हम इसको समझते हैं। तो देखो, अगर हम इस आईसी पे देखें वीडीडी डिस्प्ले, यहाँ पर वो कह रहा है सर 6 नंबर पे अगर 4 वोल्टेज नहीं आए तो ये आईसी काम नहीं करेगी। सिर्फ आईसी को निकाल लगाओ नहीं, 6 नंबर उठाओ और 6 नंबर पे बीपीएच के जीआर चेक करो। बैटरी लगाओ, 4 वोल्टेज नहीं आए तो ये लाइन काम करेगा नहीं। दिस इज इनपुट वोल्टेज। कौन सा इनपुट वोल्टेज? फिर कह रहा है कि सर हमने क्या किया है, आईसी की स्विचिंग के लिए एक 4.7 माइक्रोएम्पीयर का बूस्ट कॉइल लगाया है जिसको हमने बीपीएस से डाला है। अगर ये कॉइल स्विचिंग करना क्या कर दे, कॉइल खराब हो जाए तो भी आईसी काम करना क्या कर देगी, मतलब ऐसे टाइम पे भी आपका -5 और +5 बनेगा नहीं। तो ये हमारा आउटपुट है। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारा आउटपुट कहां कहां से रुक सकता है। हेलो, ताकि हम सारी चीजों को वहां पे चेक कर लें। हेलो, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि सर हर आईसी फिल्ट्रेशन के लिए एक बाहर कैपेसिटर लगाती है जिसको रेफरेंस कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होने चाहिए। हेलो, क्या नहीं होने चाहिए? अगर ये शॉर्ट हो गए तो फोन तब भी चालू रहेगा, सीपीयू को घंटा पड़नी पड़ेगा, पर ये आईसी काम करना तो ये देखना है हमको। फिर हमको देखना है इसके अंदर लिखा है डिस्प्ले हार्डवेयर ईएन, मतलब ये कह रहा है कि इन्होंने डिस्प्ले के ईएन को 100K रजिस्टर के साथ ग्राउंड किया है। इसको कहते हैं लॉजिक लो सप्लाई। बोलो, अगर ये रजिस्टर निकल गया, बोलो, तो हमारा आईसी काम करना क्या कर देगा, क्योंकि ये इसको इनेबल कर रहा है। हेलो, अब दो ईएन दो तरीके से दिया जा सकता है, एक वोल्टेज के साथ, बोलो, एक वोल्टेज के साथ, और एक हमें रजिस्टर को क्या कर दिए, ग्राउंड। इसको लॉजिक लो कहा जाता है ताकि यहाँ पे बिल्कुल वोल्टेज ना आए, इसको लॉजिक हाई लॉजिक लो कहा जाता है। तो ये लॉजिक लो लगा है। अब इसके बाद में ये बता रहे हैं पावर ग्राउंड डिस्प्ले प्लस, ये जो डिस्प्ले के 4 वोल्टेज, ये जो डिस्प्ले के 4 वोल्टेज आ रहे हैं इसी का ये ग्राउंड है, ये प्लस ये ग्राउंड। अगर ये 27 नंबर पे ग्राउंड ना ही आए या पैड बैड निकल जाए तो ये 4 वोल्टेज आने के बाद भी काम नहीं करेगा। हेलो, समझ में आ रही? यस सर। इतनी चीज किस किस को समझ में आएगा ये बताओ। हाँ, मतलब प्लस माइनस। अब ये तुम बोलोगे सर मेरा सारा जी आ रहा है। अरे भाई मैं कहाँ बोल रहा, हर ग्राउंड को चेक कर। हेलो, जब सब आ रहा है तो चल जाना चाहिए। यस सर, यस सर। जब तुम कह रहे हो तुमने सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, तुम कह रहे हो तुमने आईसी चेंज कर दिया, तुमने सारा जीआर चेक कर लिया, सारा वोल्टेज चेक कर लिया, तो फिर चल जाना चाहिए। तो फिर तुमने क्या नहीं चेक किया? सर हमने ग्राउंड अभी कहा, सारा तो चेक किया नहीं है। तो रिपेयरिंग ऐसा नहीं होती है, अभी कोर रिपेयरिंग है। ये वो 10 लोग छोड़ देते हैं जो सीपीयू एमएमसी भी काम करते हैं, उनको भी नहीं आती है। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये कह रहे हैं, अब इसके बाद में जैसे उन्होंने 4 वोल्टेज दिया, ये स्विचिंग करेगा और ये इनेबल करके ये आउटपुट निकालेगा। अब ये 5 वोल्ट, ये यहाँ पर +5, ये यहाँ पर -5, और ये है इसको कहते हैं चार्जिंग पंप। बोलो, ये कैपेसिटर मैं आपको ऑडियो की क्लास से समझाना चालू करूंगा। तो चार्जिंग, तो जो चार्जिंग पंप है, चार्जिंग पंप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटर। हमें ये भी ध्यान रखना है अगर ये कैपेसिटर निकल गया या नहीं है या सड़ गया, हेलो, तो ये आईसी काम करना बंद कर देगा। और इवन ये जो प्लस की लाइन के साथ जो कैपेसिटर लगे हैं और माइनस की साइड ये कैपेसिटर लगे हैं, ये भी निकल गए तो आईसी काम करना क्या कर देगी, ये प्रोटोकॉल है आईसी के। वो कह रही है मुझे अगर ये कैपेसिटर निकाल दो चलेगा, ये रेफरेंस है, ये शॉर्ट नहीं करना, निकाल दो चलेगा, ये निकाल दो वीडीडी 4 वोल्टेज चलेगा, मुझे फिल्टर करना है नहीं करूंगा 4 आ जाएगा, मुझे रजिस्टर मत निकालना एनेबल नहीं होगा, रजिस्टर चाहिए, मुझे ये ग्राउंड चाहिए क्योंकि ये ग्राउंड के माइनस का ग्राउंड है, नहीं आएगा तो चलेगा नहीं, माइनस भी बढ़ेगा। अभी ये कैपेसिटर निकाल दोगे तो नहीं चलेगा भाई, ये लगे होना जरूरी है। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे लिए सबसे पहले हमें पता क्या करना है। देखो, रिपेयरिंग के स्टेप होते हैं,
क्या होते हैं स्टेप्स, और जिसने स्टेप फॉलो किए वही आउटपुट निकालेगा। ये नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठा के चेक करने लग जाए हेलो चीजें उठाया इसी या नहीं। पहला स्टेप नंबर वन बता रहा हूं मैं, चलो आपको स्टेप नंबर वन है लुक, बोलो लुक लुक। आप इसको कह सकते हैं अपनी पीसीबी को बहुत ध्यान से देखना हेलो यस सर। कहीं पर भी कहीं कचरा या आपस में सॉर्टिंग या कोई सोल्डर फंसा हुआ होना नहीं चाहिए, कोई आईसी टूटी या कैपेसिटर सरा हुआ होना नहीं चाहिए। इफ समबडी सम कैपेसिटर इज डैमेज या आपके शॉर्ट दिखाई दे रहे, शॉर्ट बोल रहा हूं जैसे आपके ऊपर से कचरा या जंग लगे है, रस्ट लगी है, क्या लगी है उसमें, तो उसको चेंज कर देना है हेलो। क्या करना है लुक के बाद दूसरे नंबर पे हमें उस आईसी के पास क्या चेक करना है हेलो, किसमें चेक करना है, और ये देखना है सर्किट के हिसाब से कि कोई कंपोनेंट बोलो मिस्ड तो नहीं है हेलो। फिर चौथे नंबर पे बोलो हम उस आईसी का क्या चेक करेंगे, और वही जैसे छह प्रोटोकॉल हेलो। पहले हम इतना चेक कर लें उसमें क्या क्या चेक कर लें बताओ, सबसे पहले तो देखें उसके बाद क्या करें, और फिर कैपेसिटर फिर कंपोनेंट किसके लिए चेक करें, एनसी चाहिए चलेगा पर कोई कंपोनेंट निकला हुआ नहीं चाहिए। अभी मैं आपको ये कहानियां ये सब क्यों सुना रहा हूं ध्यान दो, क्योंकि कैसा होता है ना जब टेक्नीशियन आईसी को बार बार निकाल के लगाता है तो दे एक्चुअली मिसिंग या रिमूविंग कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट उसकी गलती की वजह से बराबर। yes, आप एयर ज्यादा रख रहे हो, आप आईसी लगा रहे हो और गलती से आपका कैपेसिटर हो गया, सो आप ये सोचोगे कैपेसिटर ही तो है हेलो, रजिस्टर ही तो है देख लेंगे आईसी, और जब काम नहीं हुआ तो वो बोर्ड वही का वही आगे रिटर्न हो गया, तो वो वापस कंपोनेंट लगा के देगा क्या, नहीं। हिंदुस्तान में यही दिक्कत है, दैट नहीं बना तो पर्टिकुलर हाई कंपोनेंट को लगा के देते नहीं, जैसा है वैसा दे दिया, आईसी उल्टी लगा दी, आईसी को रिवॉल्व भी नहीं करेंगे चिपका के भेज देंगे, तो ये टेक्नीशियनों की सबसे गलती गलत बात है भाई। आपने नहीं बनना तो आपकी गलती की वजह से, आपने तो अच्छे कस्टमर के वार्ड लगा दी क्या, जो यूट्यूब से देखकर सीखेगा वो यही करेगा, और उसी की वजह से टेक्नीशियनों का नाम बर्बाद है हेलो। हम लोग गाली खा रहे हैं उसी की वजह से, आज गफवार मार्केट में जाकर लोग वीडियो बनाते हैं कि देखो ये टेक्नीशियन ने हमारा ये हाल किया, ये वीडियो बनाया, और ये होता है उन लोगों की वजह से जो यूट्यूब से सोल्यूशन ले रहे हैं। भाई गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, आप स्कूल गए क्यों गए, आप यूट्यूब से सीख लेते, आप बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हो, यूट्यूब से सिखा दो ABCD GFG क्या है, बच्चों से किंडल स्कूल क्यों भेज रहे हो, हाई स्कूल क्यों भेज रहे हो, यूट्यूब में सब है डिग्री में ला दो, पर वो जो प्रोफेशनल नॉलेज और जो स्टेप टू स्टेप ज्ञान वो यूट्यूब देने वाला नहीं, डाउट नहीं क्लियर करने वाला, यूट्यूब परफेक्ट नहीं बना सकता है, यूट्यूब एक मार्गदर्शन है, एक लोकेशन तक पहुंचा सकता है हेलो, अरे ये बंदा है यहाँ ऐसा काम कर रहा है ये बता कर सकता है, पर कितना सही हो कितना गलत वही जाके पता करेगा हेलो। चलो देखो ये हमारा PMI है जहां अभी हमने काम किया हुआ है पूरी तरीके से, मुझे इसका फॉल्ट पता है इसलिए मैं केस स्टडी को ले रहा हूं ताकि आप लोग सीखें और एक यूट्यूब पे हम इसको नॉलेज उठाएं। अब हम देखें कि हम कितना यहां से Realme 5 का डाटा उठा सकते हैं, देखो तो हम Realme 5 में जाएंगे तो हम Realme में गए Realme 5 में हार्डवेयर सोल्यूशन पे गए, और हार्डवेयर सोल्यूशन में हम यहां पर LCD में गए, LCD क्योंकि ग्राफिक्स, पहले हम देखते हैं कि सीन क्या चल रहा है, अभी कंडीशन क्या है, 90% लोग क्या करते हैं सीधे वोल्टेज चेक करते हैं, दे नेवर लुक एट PCB कि व्हाट दे आर गोइंग इन PCB क्या कंडीशन में है, सो हमें मेनली वोल्टेज क्या चेक करना है, ये देखो हमारे लिए मेनली वोल्टेज है हमारा VSP और VSS और 1.8, क्योंकि जब तक ये तीन वोल्टेज नहीं आएगा तब तक CABC बनेगा नहीं, तो ये वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ रहा है ये दो पिन पे VSP और यहाँ पर, अगर हम सबसे पहले इस पे हम ये देखते हैं कि हमारा GR क्या बताता है, यहाँ पर मल्टीमीटर सेट करो, ये मल्टीमीटर में रखो, बड़ा मल्टीमीटर रखो, ये हटा दो मल्टीमीटर,
I recommended all of you to get to buy this multimeter. Yes sir, definitely sir. ये क्या है मिली वोल्टेज पे काम करता है ये 1000 रुपए का मल्टीमीटर है ये मिली वोल्टेज को नीचे लेगा व्हाट इज मिली वोल्टेज 0.7 0.6 ये सिर्फ इसको दिखाएगा नहीं ये दिखाएगा मिली वोल्टेज है तो इसमें क्योंकि बेसिकली 3 0 है मतलब मिली वोल्टेज तक दिखाता है क्या हम यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले इसका जीआर लेंगे ये पहला पिन और पहला पिन हमारा वीएसएन है और उसके बाद ये हमारा वीएसपी है हम इसका जीआर लेंगे अब ध्यान दो डायोड मोड पे ठीक है अब देखो अगर हमने वीएसपी का जीआर लिया तो हमें जीआर मिल रहा है मतलब हमारा ट्रैक ओके है और वीएसएन पर देखिए तो हमें ओएल आ रहा है हेलो यस सर ओएल आ रहा है ओएल मतलब ओपन लोड बोलो बट मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कहा जाता है सही जमाने में कि जहां पॉजिटिव लाइन है वही जी आर है पर जहां निगेटिव वोल्टेज है वहां जी आर नहीं है तो इसलिए ये बीएसएन है यहाँ -5 वोल्टेज बनता है इसलिए यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे जी आर आएगा नहीं तो इसको कैसे चेक करेंगे इसको चेक करेंगे रिवर्स ट्रेसिंग से बोलो मतलब कूल टेस्टिंग को हम रिवर्स करेंगे अगर हम इसको रेड को यहाँ रखेंगे अगर हमें कोई रीडिंग मिला तो ये ट्रैक ओके है अगर तभी भी ओएल मिला तो ये अपना ट्रैक ओपन है देखो अभी अपन पहले क्या कर रहे थे रेड वाले को यहाँ रख रहे थे ब्लैक वाले को अपन ने यहाँ रखा था तो ओएल मिला अब अपन ब्लैक वाले को यहाँ रखेंगे रेड वाले को यहाँ रखेंगे अब हमको जीआर मिल रहा है yes, sir. Yes, sir. तो नेगेटिव लाइन को हमेशा कूल टेस्टिंग में क्या करते हैं रिवर्स करके चेक करते हैं हेलो फॉरवर्ड चेक नहीं करते हैं रिवर्स चेक करते हैं अब आगे बढ़ेंगे अब हमारा वीएसपी वीएसएन तो सब आ रहा है 1.8 देखेंगे शॉर्ट तो नहीं है 1.8 रेड कलर की लाइन है जो चौथे नंबर की पिन है पहला दूसरा तीसरा चौथा तो ये भी हमारा अब देखेंगे तो हम ब्लैक रखेंगे चौथे नंबर पे ये भी हमारा जीआर आ रहा है ये भी हमारा ओके है अब हम क्या करें अब हम इस पर वोल्टेज चेक करेंगे क्या चेक करेंगे कि +5 -5 बन रहा है कि नहीं देखो कनेक्टर भी लगा देना है क्या पता कनेक्टर बिना लगाए वोल्टेज नहीं आया तो ये सब कुछ आगे बताएंगे हम आएगा कि नहीं आएगा या जो भी है अभी हमने कनेक्टर लगा दिया है अब हम वोल्टेज कहां चेक करें तो हम इसके कंपोनेंट वोल्टेज चेक करेंगे देखो ये वाला जो कंपोनेंट है यहां आएगा -5 तो यहां पर -5 बनना चाहिए और इसी के बगल में ये यहां पर +5 बनना चाहिए और ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर है यहां पर 1.8 बनना चाहिए हेलो ठीक है हो गया चलो अब हम इस पर +5 -5 देखेंगे जो हमारे ये दो कैपेसिटर में है आ रहा है वोल्टेज नहीं सर आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं सर यहाँ पर कितना आ रहा है 1.8 हाँ इसका मतलब है कि हमारा +5 -5 जनरेट नहीं हो रहा हेलो यस सर और ये प्रॉब्लम हमारे पीएमआई की तरफ से कहां से है पीएमआई की तरफ से बोलो यस सर अब मैंने क्या बोला अगर हम सही तरीके से और एक एक्सपीरियंस वे से इसको बनाएं तो हमको हर समय आईसी निकाल कर सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है बताओ पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है वहां पर लुक फॉर डैमेज लुक फॉर रस्टिंग बोलो लुक फॉर डैमेज लुक फॉर रस्टिंग लुक फॉर रस्टिंग Check sorting. Check sorting. And find missing. Find missing. Hello. Yes, sir. Look for damage. Look for damage. Look for rusting. Look for rusting. Check sorting. Check sorting. Find missing. Find missing. And उसके बाद IC के data में जाएंगे. Hello. Yes, sir. Notice करो. तो अब हम क्या करते हैं? Look for damage. And look for rusting. देखो. तो हम क्या हमें अब कैसे लुक करना है सर डैमेज के लिए
सबसे पहले अगर अब हम आईसी डाटा में जाएंगे और ये तीसरे दूसरे तो तीसरे नंबर का है वीडीडी देखो वीडीडी कैप टू ब्लू वीडीडी कैप वन हेलो देखो सर आप ये देखो वीडीडी कैप वन वीडीडी कैप टू मतलब ये हमारा सीरीज में कैपेसिटर है हेलो तो अब क्या करें अब हम एक काम करते हैं हम एक दूसरे बोर्ड से सेम जगह से कैपेसिटर निकालेंगे और यहाँ लगाएंगे और रिजल्ट देखेंगे नहीं तो फिर हम पावर पीएमआई को दोबारा चेंज करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ एक जम्पर से इसको ऑन किया है खाली डिस्प्ले नहीं आया उसके बाद अब हम इसको देखेंगे बट कहाँ से निकालें हमारे पास तो रियलमी 5 का बोर्ड ही नहीं है अरे कहीं नहीं चाहिए हमको कोई सा भी सेट हो हमारा डिस्प्ले आईसी में हर एक सेट के अंदर हमको मिल जाएगा तो हम 5A से निकाल लेंगे तो ये 5A में जाएंगे अब इसके अंदर ये हमारी ग्राफिक्स आईसी है 15 वोल्ट का ठीक है अब हम इसका सर्किट जाएंगे तो हम 5A का सर्किट खोलेंगे ये भाई इसमें वो लगाओ केबल अनिल इसमें केबल लगाओ लैपटॉप में ये 5A का डायग्राम खोला ये हम डायरेक्ट चले आएंगे कोई दिक्कत नहीं है हमें जाना है अपनी डिस्प्ले आईसी तो हम डिस्प्ले आईसी को खोजेंगे खुद से तो अच्छा फिर हमें वो भी तो खोलनी पड़ेगा ना लेआउट लेआउट चाहिए ही हमको तो हम लेआउट के लिए 5A को खोलते हैं ये हमारा इधर है ये ऊपर है ये हो गया अब इसका लेआउट खोल लेते हैं लेआउट बहुत बढ़िया अब इतनी दूर कौन जाएगा यहीं स्कीमेटिक ही खोल लेते हैं ठीक है अब दोनों को करते हैं कंबाइन क्योंकि हमें सेम हमें कहीं या तो हमें वैल्यू पता हो कैपेसिटर की तो हमें पता नहीं है वैल्यू या तो हम डायग्राम पढ़े तो वैल्यू एक बार पता चल जाएगी तो फिर हम कहीं से भी निकाल सकते हैं या तो हम सिर्फ डिस्प्ले से ही एक कंपोनेंट निकालें और वो भी सीरीज वाला ही होना चाहिए तो ये हमारा सर्किट है अब मुझे आप देख कर बताओ कहाँ इधर कौन सी लाइन पर सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर ये लगा हुआ है हेलो और चार्जिंग पंप ये चार्जिंग सप्लाई है फ्लाइंग कैपेसिटर लगा हुआ है और ये 2.2 माइक्रो फैराड का है और ये कैपेसिटर आपका यहाँ पर ये है 2308 तो ये कैपेसिटर उठाकर अपने बोर्ड में लगाते हैं तो साहब ये कैपेसिटर है अब ये कैपेसिटर को अपन है ना मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं ये सीरीज में होना चाहिए सो दोनों ओर बजर मोड पे ओएल आना चाहिए तो साइज देख लेते हैं साइज थोड़ा छोटा चाहिए सही है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो अपन कोई नहीं अपन दूसरे बोर्ड से निकाल लेते हैं तो भाई अपने पास बहुत है तो अपन यहाँ पर ये अपने पास एक और लगा हुआ है पीएमआई अब इस पीएमआई के अंदर अपन बोर्ड निकालते हैं ये है रेडमी 7A तो अपन 7A का सर्किट खोलते हैं मिल जाएगा देखो क्योंकि साइज बड़ा है सचमच करेगा कैपेसिटर तो शॉर्ट हो जाएगा सर्किट 7A खोलेंगे डायग्राम खोलेंगे और हमको चाहिए फ्लाइंग कैपेसिटर डिस्प्ले सेक्शन के अंदर ये कैपेसिटर ये देखो यहाँ पर जाएंगे दोनों को कंबाइन कर लेते हैं डायग्राम पे जाएंगे
हम माइक मारेंगे। अब यहाँ पे जूम जाम कर लिए, अब यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये आ गया। अब यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन है, आगे बढ़ाते जाएंगे, हमें चाहिए डिस्प्ले। ये अपना ग्राउंड वाला सेक्शन है, GPIO, ये डिस्प्ले आ गया। अब इसके अंदर हम ऑफलाइन कैपेसिटर ये लगा है। अब ये C1211, तो C1211 यहाँ पर लगा है इधर, मतलब ये कैपेसिटर है। तो अब ये कैपेसिटर निकालते हैं, और ये कैपेसिटर खराब होगा, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड कैसा है, पानी में गया हुए बोर्ड के कॉम्पोनेंट मत यूज करना है। हेलो यस सर, अगर आप पानी में गए बोर्डों का कॉम्पोनेंट यूज कर रहे हो तो आपका कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो बोर्ड के कॉम्पोनेंट खराब ही है मान के चलो। हमारे पास PMI भी है, पर क्या हम इसको लगा सकते हैं, इसका वर्जन देखना पड़ेगा। अब पेस्ट चाहिए, पेस्ट है, पेस्ट सोल्डिंग पेस्ट, सोल्डर पेस्ट। यहाँ पे हमें कैपेसिटर ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आईसी ऑलरेडी माइक्रो जम्पर से है, ज्यादा सभी हीट, ज्यादा सभी एयर आईसी को हिला सकता है और बोर्ड चालू बंद हो सकता है, समझ रहे हो? हाँ, तो हमें कहीं से भी आईसी को हिलाना, हीट भी टच नहीं करना है। इवन बगल में CPU भी रिबॉल है, तो CPU यहाँ पर ऑलरेडी रिबॉल है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे कोशिश कि ये तो आराम से लगाएंगे। मेरे को PCB बोर्ड चाहिए, हम इस पे पहले GR चेक करेंगे, कैपेसिटर के दोनों ओर GR आना चाहिए। तो GR लेंगे और डायोड मोड पे हम जाएंगे, तो डायोड मोड पे हमने किया है, दोनों ओर हमें 300 और 800 के बीच में GR मिलना चाहिए, तो आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब कनेक्टेड है। अगर GR नहीं आ रहा तो हम ये समझते हैं कि बोर्ड अच्छे से लगा नहीं है। अब हम एक बार बोर्ड पे लगा के देखेंगे। मेरे टेबल से पेन कितना उठा है? मेरे को तो छोड़ दो। तो ये डिस्प्ले का सॉल्यूशन किस किस को समझ में आया? हेलो यस सर, कल हमने एक रजिस्टर से डिस्प्ले लाए थे, हेलो यस सर, आज हम एक कैपेसिटर से डिस्प्ले लाए, समझ आ रहा है मेरे पास? ये आईसी बेस इंस्टीट्यूट नहीं है, किसी भी आईसी को निकाल के लगा के फोन चालू कर देगा। हेलो ये डिटेलिंग डीप लेवल पे दी गई है कि आप एक एक कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस को समझ सके। हेलो थोड़ी क्लास को दिखाओ, यहाँ पर आओ, जाओ इधर आओ, साइड आओ। बात करें
सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। तो मैं चलो एक चीज को इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जावेद, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था, देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं इसे टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बड़े धन्यवाद। एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया आपने। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहां बेसिक से